तो क्या आप भी अपने कुछ इस तरीके के दिखने वाले बेस को कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं, वो भी सिर्फ एक हफ्ते के अंदर? तो बने रहिए हमारे साथ। लाइसन कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। Hey Clashers, Pritax here. Welcome back to another episode of Clash of Clans. तो guys, आज हम बात करने वाले हैं 30 ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जिनसे आपका बेस जल्दी मैक्स होगा। अब वेल देखो, यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि यार इस वीडियो को देखने के बाद आपका बेस तुरंत से मैक्स जाएगा, बिकॉज हम यहाँ पे कोई जादू नहीं सिखा रहे हैं। हम आपको यहाँ पे प्रॉपर एक गाइड देने वाले हैं। तो 30 टिप्स एंड ट्रिक्स जो आज की वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं, उससे क्या होगा मैं आपको समझा देता हूँ। समझो आप जितना अभी करंटली प्रोग्रेस करते हो एक महीने में, वो प्रोग्रेस आप कर लोगे 15 या 20 दिन में। सबसे पहले भाई एक बोनस टिप, वैसे बोनस टिप लोग लास्ट में देते हैं पर मैं पहले देता हूँ यार। तो बोनस टिप ये है भाई कि गोल्ड पास खरीदो, हर सीजन खरीदो, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और तुम खुद ही देख सकते हो कितने सारे बेनिफिट यहाँ पे होते हैं। अब अगर तुम लोग फ्री टू प्ले प्लेयर और बोल रहे हो भाई कि हम कैसे खरीदें, तो कोई नहीं यार, आप लोगों के लिए भी जुगाड़ है जो कि भाई आप हर सीजन गोल्ड पास खरीदने के लिए यूज कर सकते हो। इस क्लिप को पूरा जरूर देखना। क्या आपने कभी क्लैश ऑफ क्लैंस जैसे गेम्स खेलते खेलते पैसे अर्न किए हैं? मजाक नहीं कर रहा हूं, इस ऐप के ओवर 10 करोड़ डेली यूजर्स हैं। मैं आज आपको दिखाने वाला हूं कैसे मैं यहां पर गेम्स खेल के भाई चुटकी बजा के गोल्ड पास सीनरी के पैसे डेली अर्न कर सकता हूं। बाकी डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउन करने पर आप लोगों को यहां पे अप टू 550 रुपीज का इंस्टेंट बोनस मिल सकता है। कैसे मिलेगा भाई, डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउन करना, विंडो ओपन होगा वहां पे लॉगिन वगैरह कर लेना। इसके बाद आप यहां पे वर्ल्ड वॉर और विंडो मानिया में अगर कोई भी एक गेम खेलते हो तो आपको ये बोनस मिल जाएगा। अब जैसे भाई आपको बोनस मिलता है तो आप लोग यहां पे जितने भी यहां गेम्स है सबको ट्राई कर सकते हो एंड डेफिनेटली इसी से आप ऐसे ग्रो कर सकते हो और आराम से गोल्ड पास सीनरी के पैसे अर्न कर सकते हो। कैसे मैं करता हूं आपको दिखाता हूं। तो मैं मिस्टर रेसर एक गेम खेल रहा हूं, यहां पे छोटा सा अमाउंट हम लोग लगाएंगे एंड देखते हैं भाई कितने यहां पे मैं रुपीस अर्न कर सकता हूं। तो यहां पे एक छोटी सी रेस होगी भाई और ये 1 मिनट के अंदर यूजुअली खत्म हो जाती है। तो चलिए देखते हैं 1 मिनट के अंदर मैंने यहां पे कितने रुपीस अर्न किए। तो यहां पे टोटल मैंने 50 रुपीस अर्न कर लिए सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर। देखो कितने आराम से आप यहां पे गोल्ड पास सीनरी के पैसे अर्न कर सकते हो। बाकी यहां पर एक नया फीचर भी आया, प्लेयर एक्सचेंज, आईपीएल स्पेशल है भाई ये। यहां पे जिस भी प्लेयर को आप सिलेक्ट करते हो, जैसे आपको पता है भाई ये प्लेयर 4-6 मारने वाला है, जैसे ही वो 4-6 मारेगा आपके सिलेक्ट करने के बाद उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी एंड इससे आपको मिलेगा प्रॉफिट ही प्रॉफिट। अर्न किए हुए पैसों को रिडीम करना भी काफी सिंपल है, बैंक यूपीआई पेटीएम कहीं पर भी एक क्लिक के साथ रिडीम कर सकते हो। बाकी यार विंडो स्टोर पे तुम लोगों को यहां पे ओटीटी प्लेटफॉर्म या फिर गोल्ड पास के लिए सीनरी के लिए रिडीम कोड बना रहे हो तो वहां पर भी डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन की स्पेशल लिंक से डाउनलोड कर लेना और वहां पे भाई विंडो पे लॉग इन करने के बाद जैसे ही आपको ये गेम खेल लेते हो तो आपको अप टू 550 का बोनस मिल जाएगा। बाकी एग्जांपल के लिए आपको मैंने दिखाया भाई कैसे मैंने 1 मिनट के अंदर 50 रुपए अर्न कर लिए थे। ऐसे आप धीमे धीमे करके आराम से गोल्ड पास सीनरी के पैसे अर्न कर सकते हो। सो गो एंड डाउनलोड विंडो नाउ, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एनीवेज गाइस, आपका भाई गारंटी रहता है कि अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लोगे तो डेफिनेटली आप यहां पे जो अभी प्रोग्रेस कर रहे हो उसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा। बाकी यार चलिए बात करते हैं 30 टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं जिससे आप लोग अपने बेस को जल्दी मैक्स कर सकते हो। इस वीडियो में चलिए सारी चीजों को कवर करते हैं। सबसे पहले भाई यहां पर हम आपको इस बेस के थ्रू सारे प्रायोरिटी जो देने वाली चीजों को वो समझाएंगे। सबसे पहले गाइस, जब भी आप किसी नए टाउन हॉल पे जाओ, समझो आप किसी नए टाउन हॉल पे गए तो शुरुआत कैसे करनी है। सबसे पहले आप लोग को अपनी जो लैबोरेटरी को उस टाउन हॉल के हिसाब से मैक्सिमम लेवल तक पहुंचानी है। तो ये सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए लैबोरेटरी, बिकॉज जैसे आप इसे अपग्रेड करोगे तो आप नेक्स्ट लेवल का जो आपके ट्रूप्स हैं उनको भी आप अनलॉक कर पाओगे। अब देखो नेक्स्ट लेवल के ट्रूप्स तो अनलॉक कर लोगे, लेकिन क्या आप लोग अभी यहाँ पे नेक्स्ट ट्रूप्स जो उस टाउन हॉल के हैं वो कर पाओगे? नहीं, बिकॉज उनके लिए आपको बैरैक्स को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। तो सेकंड चीज, आपको यहाँ पे प्रायोरिटी देनी है बैरैक्स को। और पहले तो भाई 4-4 बैरैक्स मैक्स करने पड़ते थे, अब तो भाई सिर्फ 2 ही करने हैं, एक सिंपल बैरैक्स और एक यहाँ पे अपना डार्क बैरैक्स। तो ये चीज यहाँ पे काफी सही होगी, एक नया अपडेट आया था बीच में। अब वेल गाइस बात करते हैं थर्ड चीज क्या है। थर्ड चीज यहाँ पे आर्मी कैंप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए स्टार्टिंग में इनको मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले भाई लैबोरेटरी, फिर यहाँ पे आपकी जो आ जाएगी भाई बैरैक्स वाली, जितने भी 2 बैरैक्स आपके हैं, और फिर आपके सारे आर्मी कैंप्स। जैसे ही आप इतना कर लोगे तो आप ऑफेंसेस में मैक्स होने के टूवर्ड्स बढ़ते चले जाओगे। ऑफेंसेस मतलब जो आप अटैकिंग के टाइम चीजें करते हो उसे ऑफेंस बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको ऑफेंस में हेल्प करेंगी, लैबोरेटरी, आर्मी कैंप एंड बैरैक्स। तो हमेशा भाई जब आप ऐसे बेस रखते हो तो बहुत ज़्यादा दिमाग कन्फ्यूज होता है कि नेक्स्ट क्या अपग्रेड करना है, कहाँ से मेरा क्या बचा हुआ है बेस में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सेट कर लेना है एक प्रोग्रेस बेस। तो ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है एंड प्रोग्रेस बेस को कैसे यूज करना है मैं आपको ये भी सिखाऊंगा। क्या होता है भाई कि समझना काफी आसान हो जाता है भाई कौन सी चीज कहां पर है और कितनी बची हुई है। जैसे मैं आराम से बता सकता हूं मेरे अभी कितने आर्चर टावर बचे हुए हैं। अब आप ये वाला बेस देखो, यहां पे गिनने पड़ेंगे कि भाई यहां पे कितने आर्चर, 1-2 ऐसे गिनते बैठोगे तो आपका दिमाग कंफ्यूज जाएगा। इसलिए हमेशा एक प्रोग्रेस बेस अपने बेस पर रखिए। अब बात करते हैं इसको यूज कैसे करना है। तो फिलहाल तो ये जो प्रोग्रेस बेस है इसको मैं यूज नहीं कर रहा हूं। यूज कैसे करते हैं, समझो आप वॉल्स का एक डिवीजन
सेक्शन बना दो, यहाँ से एक लाइन खींच दो ये वॉल से, वॉल्स के इस साइड जितनी चीज़ें आपके अभी मैक्स हो चुकी हैं उनको रखो, और जितनी चीज़ें मैक्स होनी बाकी हैं उसको वॉल्स के अपोजिट साइड रखो। तो इससे आपका एक दिमाग में ऐसा वो बन जाएगा भाई प्लान कि मेरी इतनी चीज़ें बची हुई हैं, ये तो मेरी ऑलरेडी मैक्स है, इनको मुझे टेंशन मतलब इन पर मेरे को टेंशन देने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे इस साइड में जो आपकी बची हुई जो चीज़ें मैक्स होनी बची हैं उनको रखो, और जो चीज़ें मैक्स हो चुकी हैं उसको इस साइड भेज दो। तो वेल गाइस बात करते हैं अगली टिप के बारे में। जब भी आप किसी नए टाउन पर जाओ तो आपको स्टार्टिंग में ना बिल्डर्स को डिवाइड नहीं करना है, आपको सारे के सारे बिल्डर्स को ऑफेंसेस पे लगाना है। कैसे भाई? जैसे आप नए टीएच पे जाओ, एक बिल्डर क्लैन कैस्टल पे लगा दो, हैमर मार दो या तो, या लैबोरेटरी लगा दो अपनी एक, और सीज बैरक लगा दो, ये सब ऑफेंसेस होते हैं ठीक है जो आपके अटैकिंग में हेल्प करते हैं। बैरक्स हो गया, आर्मी कैंप हो गया, इनको जब आप मैक्स करो ना तो फिर आपको ऐसे नहीं करना है कि चलो बीच में एक ये भी अपग्रेड कर देता हूं वो भी नहीं। जब भी आप किसी नए टीएच पे जाओ सबसे पहले एसेंशियल बिल्डिंग्स जो होती हैं, जो आपको ऑफेंसेस में बोल रहा हूं बार बार, ऑफेंसेस मतलब जो अटैक में हेल्प करती हैं, तो स्टोरेजेस हो गए आपके जितने भी हैं, तो इन सबको पहले मैक्स कर लो। इसके बाद फिर तुम्हें करने अपने बिल्डर्स डिवाइड। यहां तक तो तुम्हें अपने बिल्डर्स को बस इन पे ही लगा रखना है, लेकिन जैसे ये इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जो ऑफेंसेस अगर मैक्स हो जाए फिर आपको यहां पे अपने जो है बिल्डर्स को डिवाइड कर देना है। और कैसे डिवाइड करना है चलिए मैं समझाता हूं। तो बेसिकली आपको बिल्डर्स को ऐसे डिवाइड करना है कि आपका जो बेस है वो जब लास्ट में मैक्स हो तो दोनों हीरोज ऑफेंसेस सॉरी तीनों हीरोज ऑफेंसेस एंड यहां पे आपके जो डिफेंसेस सबको साथ में मैक्स हो। तो आपको यहां पे अपना तीन बिल्डर एटलीस्ट यहां पे हीरोज पे लगाना है जब सीरियल ना चल रहा हो, एंड भाई दो से तीन बिल्डर आपको डिफेंसेस पे लगाना है, बिकॉज आपके ऑफेंसेस स्टार्टिंग में आपने मैक्स कर लिए न्यू टाउन पे अपग्रेड करते हुए, तो हमारे पास सिर्फ डिफेंसेस एंड हीरोज ही बचे हैं, तो ऐसे आपको यूज करना है। अब गाइस बात करते हैं अगली टिप के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भाई डिफेंसेस एंड हीरोज की प्रायोरिटी क्या है। सबसे पहले डिफेंसेस की प्रायोरिटी आपको समझा देता हूं मैं। यहां पे आप लोगों को अपने मोनोलिथ जैसे और ईगल आर्टलरी हो गए, ये जो मेगा डिफेंसेस है इनको पहले मैक्स कर लेना, इनको हैमर मार देना, बिकॉज इनको अपग्रेड करने में लिटरली 20-20 दिन के टाइम लग जाते हैं। तो यहां पे जैसे स्कैटर शॉट हो गया इसके बाद आता है वो, अगर आपके पास स्कैटर शॉट नहीं चलिए बात करते हैं जो टीएच 11-12 वाले हमारे भाई लोग हैं उनके लिए। तो आपको जब भी आप किसी नए टीएच पे आओ सबसे पहले भाई देखो अपने इन्फर्नोस मैक्स कर लो, फिर अपने एयर डिफेंस करो, फिर अपने एक्सपोज करो ठीक है। तो ये तुम लाइन से देख पा रहे हो सब लोग, देखो ऐसे करना है। एंड इसके बाद तुम्हें यहाँ पे अपग्रेड करने अपने मोटार कैनन्स जैसे डिफेंसेस, और ऐसे भाई तुम्हारे सारे डिफेंस मैक्स हो जाएंगे। अब बात करते हैं हीरो प्रायोरिटी क्या है। तो भाई देखो सबसे पहले तुम लोग को यहाँ पे जो है अपनी क्वीन और वार्डन को मैक्स करना है, और जब ये दोनों मैक्स हो जाएं तो फिर अपनी रॉयल चैंपियन भी शिफ्ट कर लेना एक बिल्डर को, और फिर एक किंग पर भी। अब गाइस बात करते हैं अगली टिप के बारे में जो कि है भाई यहाँ पे डिफेंस के रिगार्डिंग। डिफेंस अपग्रेड जो आप कर रहे हो जब भी, तो वहाँ पे क्या करना है आपको भाई, समझो जब भी आपकी CW वगैरह चल रही है तो वहाँ पे आप सीधी सी बात है वहाँ पे अपने हीरोज को अपग्रेड करोगे नहीं, तो उस टाइम जब भी आप फार्मिंग करो तो वहाँ पे आपको हमेशा गोल्ड जहाँ ज़्यादा मिल रहा है उस पर अटैक करना है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जो भी आपकी प्रायोरिटी है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे लूट ढूंढनी है, ना कि भाई जैसे आपका CW चल रहा है और आप डार्क लेजर फार्मिंग करने बैठ रहे हो, समझ रहे हो। तो ये बेसिक चीज़ें पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट चीज़ बात करते हैं, जब आपकी लैबोरेटरी देखो जैसे आप अभी लैबोरेटरी मेरी 10 दिन है अपग्रेड पे यहाँ पे पड़ा हुआ है बारबेरियन, अब जब यहाँ पे 1-2 दिन बच रहा होगा तब मैं क्या करूंगा पता है, तब मैं यहाँ पे भाई जब मल्टीप्लेयर बैटल में सर्च करूंगा तो मेरे दिमाग में रहेगा कि 2 दिन बाद मेरी लैबोरेटरी खाली होने वाली है, तो मुझे कुछ ना कुछ भाई यहाँ पे एलेक्सर निकालना पड़ेगा ताकि मैं लैबोरेटरी में अपग्रेड कर सकूँ, या डार्क एलेक्सर निकालना पड़ेगा। तो ऐसी आपकी जब लैबोरेटरी का भाई अपग्रेड खत्म होने वाला हो, 1-2 दिन बच रहा हो, तो ऐसी आपको भी अपना दिमाग लगाना है और जो आपको नेक्स्ट अपग्रेड करना है उसकी प्रिपरेशन कर लेना। वरना लोग क्या करते हैं भाई, जब लैबोरेटरी का अपग्रेड खत्म हो गया फिर फार्मिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो पहले से प्रिपेयर रहो हमेशा, एकदम वक्त आने पर ही काम चीज करना मत स्टार्ट करो, ये इंपॉर्टेंट है ठीक है। अब अगली बात करते हैं भाई यहाँ पे डोंट अपग्रेड वॉल्स। सिंपल सी चीज है यहाँ पे, कुछ भी इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, अपग्रेड मत करो वॉल्स को, सबसे लास्ट चीज है भाई वॉल्स अपग्रेड करना। मैंने भी यहाँ देखो बस 3-4 वॉल ऐसे अपग्रेड किए हैं मतलब ऐसे टाइम पास के लिए, नहीं करो यार बहुत लूट खाती है। मैं दिखाऊं ये लिटरली भाई 7 लाख मतलब 7 मिलियन जो भी इसे बोलेंगे उतनी लूट खा रही है, जितने भी लिटरली मैं अपना एक ट्रैप मतलब जो काफी हेल्प करता है वो मैक्स कर दूंगा। तो समझ रहे हो भाई कितना यहाँ पर डिफरेंस है। और वॉल्स एक्चुअली में ज़्यादा कुछ नहीं करती है, अगर कोई सामने से लॉग लॉन्चर लेके आ रहा है या कुछ भी वॉल ब्रेकर लेके आ रहा है, वॉल टूटनी है चाहे तुम्हारी level 1 की है या level 20 की है या 50 की है, समझ रहे हो बात का मतलब क्या है। एनीवेज गाइस बात करते हैं, देखो अपग्रेड करना जरूरी है वॉल्स को लेकिन स्टार्टिंग में मत करो, ये जो तुम्हारी लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो वेल गाइस आप लोगों को यहाँ पे मैंने डिफेंस एंड हीरोज प्रायोरिटी तो दे दी है, अब बात करते हैं यहाँ पे बेसिकली लैब प्रायोरिटी क्या होने वाली है। सबसे पहले भाई यहाँ पे देखो लैबोरेटरी के अंदर 2 चीज़ें सबसे पहले मैक्स कर लेना, वो है बारबेरियन और आर्चर्स। काफ़ी लोगों का मैंने देखा है बारबेरियन आर्चर्स लिटरली भाई level 3-4-5 ऐसे रहते हैं,
और उनको शायद ये नहीं पता है कि एवरी सिंगल अटैक में चीज़ें यूज होती हैं। अब तुम बोलोगे हम तो यूज़ करते ही नहीं है भाई, कैसे यूज़ होती है? भाई अगर तुम आर्मी नहीं भी लेके जा रहे हो, तुम्हारे हीरोज जो है ना, जैसे आर्चर क्वीन है, इनकी जो स्पॉन यूनिट्स होती हैं वो बेसिकली डिपेंड करती हैं आर्चर एंड बारबेरियन क्वीन की, आर्चर क्वीन एंड बारबेरियन किंग की जो स्पॉन यूनिट्स होती हैं वो आपके लैबोरेटरी के बारबेरियन एंड आर्चर के लेवल पर डिपेंड करती हैं। ये काफ़ी कम लोगों को पता है और ये सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं भाई क्या चीज़ें पहले मैक्स करनी है। देखो अगर तुम लोग एयर अटैक्स करते हो तो सबसे पहले भाई जो एयर ट्रूप्स हैं जैसे इलेक्ट्रो ड्रैगन, ड्रैगन और बेबी ड्रैगन, इनको मैक्स करो, और बलून्स ऑफ कोर्स। अगर तुम लोग ग्राउंड आर्मी यूज़ करते हो तो भाई सबसे पहले हीलर्स, हॉग राइडर्स एंड जो ग्राउंड ट्रूप है उनको मैक्स करो। ये काफ़ी बेसिक था। अब बात करते हैं जो हर अटैक में मोस्टली यूज़ होती होते हैं, वो है भाई यहाँ पे वॉल ब्रेकर, गॉबलिन्स और बलून। यहाँ तक देख लो। इसके बाद भाई अगर एयर अटैक्स करते हो, बता ही दिया मैंने, और हीलर्स भी कर लेना अगर इन केस तुम हाइब्रिड वगैरह कुछ भी ऐसा पास्ट में करते थे एंड फ्यूचर में करने का सोच रहे हो, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। स्पेल्स की बात करें, सबसे पहले रेज एंड फ्रीज, देन आपकी जो बचे हुए स्पेल्स हैं उनको, जिनका नाम मैं नहीं ले रहा उनका मतलब ये नहीं उनको नहीं करना है, वो अगर आप उनको ज़्यादा यूज़ करते हो तो उनको आपको करना है, ये आप पे टोटली डिपेंड करता है। अब गाइस नेक्स्ट टिप काफ़ी सिंपल है बट सेम टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लोग क्या करते हैं भाई यहाँ पे अपने बेस पर ध्यान नहीं देते हैं, हमेशा आपको ध्यान देते रहना है। जैसे आपकी क्वीन का एक लेवल अप होने वाला है एंड उसको अपग्रेड मतलब खत्म होने में सिर्फ एक दिन बच रहा है, तो उस एक दिन के टाइम में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर बेस सर्च करने एंड आपको स्टार्ट कर देना है भाई डार्क लिक्सर फार्मिंग, क्योंकि आपको नेक्स्ट जो अपग्रेड करना है वो डार्क लिक्सर से होता है। तो पहले से आपको फुल करना है अपना डार्क लिक्सर स्टोरेज, ताकि भाई जब अपग्रेड खत्म हो जाए वो क्वीन का तो आपको बैठे बैठे वेट ना करना पड़े, ठीक है, समझ रहे हो? ऐसे आपको काम करना है। एंड सेम अप्लाइज फॉर योर डिफेंसेस जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता भी दिया था। अब गाइस बात करते हैं एक CWL प्लान के बारे में, CWL हीरोज का प्लान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी लोग नहीं करते हैं और सच में भाई ये करना चाहिए, इससे आपके हीरोज चुटकी बजा के मैक्स हो सकते हैं। देखो जब भी यहां पे क्लैन वॉर लीग चल रहा, जैसे अभी चल रहा है, तो मेरे सारे हीरोज अप हैं, लेकिन जैसे ही क्लैन वॉर लीग खत्म हो तो भाई सीधा सारे हीरोज को अपग्रेड पे डाल दो। सारे मतलब जितने भाई तुम्हें मतलब लगता है कि ये बहुत पीछे हैं तो उनको अपग्रेड करना स्टार्ट कर दो। तो जब भी CW चले वहां पर दबा के भाई अपने डिफेंसेस को मैक्स करने पे लगा दो, उतने भाई अपना यूज करना स्टार्ट कर दो अपने हीरोज पे। इसका मतलब ये नहीं सारे हीरोज को अपग्रेड पे लगा दो, पर एटलीस्ट 2 से 3 हीरो को हमेशा अपग्रेड पे रखो जब भी CW खत्म है। अब तुम लोग बोलोगे भाई वॉर कैसे खेलें फिर, क्योंकि CW के बाद वॉर्स भी तो होते हैं। इसका भी सॉल्यूशन है भाई, नो हीरोज अटैक स्ट्रेटजी हर टाउन के लिए लिटरली है, एंड उनसे तुम 2 स्टार तो कंफर्म निकाल सकते हो, एंड सम केसेस में अगर इजी बेस है तो 3 स्टार भी निकल ही जाता है। तो ये नेक्स्ट टिप है भाई कि नो हीरोज अटैक स्ट्रेटजी ढूंढो, यूट्यूब पे मिल जाएंगी। अगर तुम्हें किसी पर्टिकुलर मतलब टाउन की चाहिए तो कमेंट सेक्शन बताओ, मैं उसकी बना दूंगा, ठीक है, मुझे बताना, मैं बना दूंगा अगर मुझे कहीं से मिलती है। अब वेल गाइस नेक्स्ट टिप ये है कि ऑलवेज यूज फार्म बेसिस। काफी लोग क्या करते हैं, जो बेस भाई जहां से मिला उठा के अपलोड करते हैं, जैसे ये बेस परफेक्ट एग्जांपल है। ये देखो यहां पे लिटरली स्टोरेज बाहर पे ही एक वॉर बेस है, मैंने इसको होम विलेज में लगा रखा है जस्ट आपको दिखाने के लिए लोग क्या मिस्टेक करते हैं। तो ऐसे आपको मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि इससे क्या होगा, कोई भी आपका लूट बाहर से निकाल के लेके चला जाएगा। अब अगर आपने टाउन हॉल के पास रखे हैं सारे के सारे, या फिर कहीं छुपा के रखे हैं अपने, काफी लोग आपने देखा होगा बीच में सेंटर में अपने डार्क लेजर स्टोरेज रखते हैं ताकि कोई उसे बिल्कुल भी टच नहीं कर पाए, एंड एक्चुअली में काफी टाइम ये हेल्प कर देता है। अगर गाइस नेक्स्ट टिप ये है, समझो आप करंटली जो आपके पास लूट है उससे आपने सिर्फ 5 बिल्डर यूज कर पाए, 4 बिल्डर यूज कर पाए जो आपके फ्री बिल्डर हैं, तो ट्राई करो उनको भी भाई कहीं ना कहीं यूज करने की। लेकिन अगर बाय चांस बच रहा है तो अच्छी बात है, बिकॉज अगर आपका एक बिल्डर फ्री रहता है तो काफी केसेस में आपको हेल्प कर देता है। जैसे कि कहां पे आपके पास बहुत सारे लूट अचानक से आ गई एंड आपके 5 के 5 बिल्डर, 6 के 6 बिल्डर बिजी हैं, तो भाई अपोनेंट सारी लूट ले जाएगा। तो अपोनेंट को देने से अच्छा भाई अपनी वॉल्स पे आप उन्हें लगा सकते हो, मैं तो हमेशा ऐसे ही करता हूं, और जितनी वॉल मेरे भी मैक्स है भाई ये इसी तरीके से हुई है, तो इस चीज को भी आप फॉलो कर सकते हो। ये सभी के लिए नहीं होगी, बिकॉज जिनका बेस बहुत गंदा वाला रश है उनको सारे के सारे बिल्डर हमेशा यूज करने चाहिए। अब नेक्स्ट चीज जो है, ये भाई कुछ लोगों के लिए हो सकता है गलत हो, पर मोस्ट ऑफ केसेस में एक काम करती है, ऑलवेज स्टे इन द लोअर लीग। मैं जैसे अभी टाइटन लीग में हूं, तो यहाँ पे काफी लोग टाइटन फार्मिंग भी करते हैं, मतलब हायर लीग में रह के भी लूट निकालते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन उसमें मेहनत लगती है यार। अगर तुम लोअर लीग में चले जाओगे, समझो मैं TH15 या 14 से अगर गलती से मैं पहुंच गया मास्टर लीग वगैरह में, मुझे इतने इजी बेस, डेड बेस, बिल्कुल गंदे वाले बेस जहां पे भाई भर भर के लूट है और काफी आसान है, वो मिलेंगे। तो ऐसे बेसिस के लिए हमेशा लोअर लीग पर स्टे करो। नेक्स्ट चीज भाई ट्रेडर। ट्रेडर यहां पे कैसे काम करता है भाई, मैं समझा देता हूं। ये आपको भाई हर वीक में नए नए डील्स देता है। तो अब यहां पे आपको करना क्या है, हमेशा आपको जब भी रेड वीकेंड खत्म हो, अगर आप लोग भाई लूट की आपको कमी लगती है तो यहाँ से पहले तो ले लेना है। पहले यहाँ पे लिमिट नहीं थी, अभी लिमिट भी आ गई तो और थोड़ी यहाँ पे दिक्कत है, पर कोई नहीं, जितना ये लोग एक एक बार दे रहे हैं वो ले लेना अगर लेना चाहो। अब नीचे यहाँ पर देखो बुक मिलती है 500 जेम्स में, और बुक ऑफ फाइटिंग यहाँ पे भी मिल रही है जो कि 1000 जेम्स के लगभग।
तो ये दो बुक्स यहाँ पे हमेशा मिलती रहती हैं, कोई चेंज भी होती रहती हैं, तो उनको ही खरीदना है। एंड ट्राई करना हमेशा 500 जेम्स वाली जो बुक है उसको बाय करना, अगर तुम लोग जेम्स मतलब कहीं पे स्किन्स वगैरह पे उड़ाते नहीं हो तो। बल्कि इस अगली टिप की बात करते हैं जो कि है ऑलवेज फॉलो द सेमी मैक्स रूल। सेमी मैक्स ये है कि जब भी आप किसी टीएच पर हो तो वहाँ पे उस टीएच के पिछले वाले डिफेंस लेवल एटलीस्ट आपके मैक्स होने चाहिए। समझ रहे हो मतलब कहने का ये क्या है? जैसे मैं अभी टीएच 15 पे हूँ तो मेरे बेस में ऐसा कोई भी डिफेंस नहीं होना चाहिए जो टीएच 13 का है, सारे के सारे टीएच 14 के एटलीस्ट होने चाहिए। और अगर मैं काफी दिनों से यहाँ पे हूँ तो 15 के डिफेंस भी मैक्स मेरे होने चाहिए, जो कि आप देख ही पा रहे हो। बल्कि इस बात करते हैं अगली टिप के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी लोग क्या करते हैं भाई, एक बार आपके पास बिल्डर पोशन आ गया तो उसको बस पड़े रहने देते हैं, तो उससे क्या होता है आपको कहीं मिलता भी है ना तो आप उसे लेते नहीं हो बिकॉज आपके पास ऑलरेडी पड़े, तो ये दिमाग का साइकोलॉजी बन जाती है। तो इसको यहाँ प्रिवेंट करो भाई, जब भी आपके पास कहीं से बिल्डर पोशन आए हमेशा यूज़ करो। बाकी यार यहाँ पे काफ़ी आयरनी वाली बात है कि मैंने खुद यूज़ नहीं किया, मैं दूसरों को बोल रहा हूँ। देखो भाई मैं भी आज से ये चीज़ मैं नोटिस किया और खुद फॉलो करने वाला हूँ, और ये चीज़ इसलिए आपको बता रहा हूँ, तो झूठ नहीं बोलूँगा, मैं खुद इससे नहीं करता हूँ पर आज से मैं भी करूँगा। तो क्या करना है आपको, जब भी आप अपने सारे के सारे बिल्डर यूज़ कर लो, सबसे पहले भाई अगर आपके पास है बिल्डर पोशन यूज़ कर लो, तो उससे क्या होगा अल्टीमेटली जब भी आपको नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो आपको याद रहेगा मेरा बिल्डर पोशन वाला सेक्शन खाली है तो मुझे खरीदना ही खरीदना है, लेना ही लेना है। अब देखो यहाँ पे सेम विथ रिसोर्स पोशन, भाई अगर आप लोग यहाँ पे कहीं बाहर हो बिजी हो और आप अटैक्स नहीं कर पा रहे हो डेली क्लैश ऑफ क्लैंस में, तो रिसोर्स पोशन लिटरली भाई बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। जो आपकी नॉर्मल स्पीड है यहाँ पे, इनसे जो लूट मिलती है वो लिटरली बढ़ जाती है काफ़ी हद तक। तो वेल गाइस इसी के साथ आप लोगों ने सारी टिप्स एंड ट्रिक्स कवर कर ली हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे अपने बेस को मैक्स करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अगर लगा है कि भाई मैंने कुछ भी हेल्पफुल चीज़ शेयर की है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोज आप फ्यूचर में मिस ना करो। बाकी यार मिलते हैं अगली वीडियो में, अंटिल देन कीप क्लैशिंग एंड मैक्स योर बेस एज सून एज पॉसिबल।